न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान टिम साउदी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन के खेल में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी कमाल की रही, जहां मैट हेनरी ने 4 विकेट चटकाए, जबकि विलियम और स्कॉट को 2-2 सफलता मिली। रचिन के खाते में भी 1 विकेट रहा। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के बैटर्स को क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिकने दिया। शुरुआती विकेट गिरने के बाद कैमरून ग्रीन ने टीम की पारी को संभाला। नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए कैमरून ने 21 गेंदों का सामना करते हुए पहले दिन स्टंप्स तक नाबाद 103 रन बनाए। कैमरून ग्रीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट शतक जमाया। इस मैच में टीम सऊदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सऊदी का यह फैसला शुरुआत में गलत साबित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लंच तक सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 62 रन बना लिए थे। उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दी, लेकिन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सके। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने बल्ले से धमाल मचाते हुए 21 गेंदों पर 16 छक्कों की मदद से नाबाद 103 रन बनाए। कैमरून ने टेस्ट क्रिकेट कैरियर का दूसरा शतक जमाया, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका यह पहला शतक रहा। उनके अलावा मिचेल मार्श के बल्ले से 40 रन निकले। कप्तान पैट कमिंस बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके, 24 गेंदों पर कमिंस 16 रन ही बना पाए। और इस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले दिन खेल तक 9 विकेट के नुकसान पर 279 रन बनाए।